श्यामपुर नामक गांव में सोहनलाल नाम का एक किसान रहता था। सोहनलाल की पुत्री बहुत सुंदर थी। सोहनलाल ने जमींदार से बहुत कर्जा ले रखा था। जमींदार बहुत बूढ़ा और लोगों का फायदा उठाने वाला इंसान था। एक दिन जमींदार सोहनलाल के घर आया और कहा, सोहनलाल, तुम्हारा समय खत्म होने वाला है, पैसे कब चुका रहे हो? सोहनलाल ने कहा, थोड़ा समय और दे दीजिए साहब, मेरी जवान बेटी है, अभी इसकी शादी भी करनी है। सोहनलाल की बेटी किनारे पर खड़े होकर ये सब देख रही थी। जमींदार वहाँ से घर आया। किसान की सुंदर बेटी को देखकर उसने सोचा, क्यों ना कर्जे के बदले किसान के सामने उसकी बेटी से विवाह का प्रस्ताव रखा जाए। अगले दिन जमींदार सोहनलाल के पास गया और कहा, तुम अपनी बेटी का विवाह मेरे साथ कर दो, बदले में मैं तुम्हारा सारा कर्जा माफ़ कर दूंगा। जमींदार की बात सुनकर सोहनलाल और उसकी बेटी के होश उड़ गए। तब जमींदार ने कहा, चलो गांव की पंचायत के पास चलते हैं और जो निर्णय वे लेंगे उसे हम दोनों को ही मानना होगा। वो सब मिलकर पंचायत के पास गए और उन्हें सब कह सुनाया। उनकी बात सुनकर पंचायत ने थोड़ा सोच विचार किया और कहा, ये मामला बहुत उलझा हुआ है, अंत हम इसका फैसला किस्मत पर छोड़ते हैं। जमींदार सामने पड़े सफ़ेद और काले पत्थरों के ढेर से एक काला और एक सफ़ेद पत्थर उठाकर एक थैले में रख देगा। फिर लड़की बिना देखे उस थैले से एक पत्थर उठाएगी और उस आधार पर उसके पास तीन विकल्प होंगे। पहला विकल्प, अगर वो काला पत्थर उठाती है तो उसे जमींदार से शादी करनी पड़ेगी और उसके पिता का कर्जा माफ़ कर दिया जाएगा। दूसरा, अगर वो सफ़ेद पत्थर उठाती है तो उसे जमींदार से शादी नहीं करनी पड़ेगी और उसके पिता का कर्जा माफ़ कर दिया जाएगा। और तीसरा, अगर लड़की पत्थर उठाने से मना करती है तो उसके पिता को जेल भेज दिया जाएगा। पंचायत के आदेश अनुसार जमींदार झुका और उसने दो पत्थर उठा लिए। जब वो पत्थर उठा रहा था तो तब किसान की बेटी ने देखा कि उस जमींदार ने दोनों काले पत्थर ही उठाए हैं और उन्हें थैले में डाल दिया है। किसान की बेटी सोचने लगी कि वो क्या करे। उसे तीन रास्ते नज़र आए। पहला रास्ता उसे नज़र आया कि वह रोड़ा उठाने से मना कर दे और अपने पिता को जेल जाने दे, या फिर सबको बता दे कि जमींदार दोनों काले पत्थर उठाकर सबको धोखा दे रहा है। तीसरा, वह चुप रहकर काला पत्थर उठा ले और अपने पिता को कर्जे से बचाने के लिए जमींदार से शादी करके अपना जीवन बलिदान कर दे। उसे लगा कि दूसरा तरीका सही है, पर तभी उसे एक और भी अच्छा उपाय सूझा। उसने थैले में अपना हार डाला और एक पत्थर अपने हाथ में ले लिया और बिना पत्थर की तरफ देखे उसे अपने हाथों से फिसलने का नाटक किया। उसका पत्थर अब हजारों पत्थरों के ढेर में गिर चुका था और उसमें ही कहीं खो चुका था। लड़की ने कहा, हे भगवान, मैं कितनी मूर्ख हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग थैले के अंदर देख लीजिए कि कौन से रंग का पत्थर बचा है, तब आपको पता चल जाएगा कि मैंने कौन सा उठाया था जो मेरे हाथ से गिर गया। थैले में बचा हुआ पत्थर काला था। सब लोगों ने मान लिया कि उसने सफ़ेद पत्थर ही उठाया था। जमींदार के अंदर इतना साहस नहीं था कि वो अपनी चोरी मान ले। लड़की ने अपनी सोच से असंभव को संभव कर दिखाया और अपने पिता को कर्जे से मुक्त भी कर दिया।